नमस्कार जी, मैं मंजू। कितनी सुंदर बटरफ्लाई आपने देखी होगी अभी। तो मेरे बहन भाइयों को चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। मैं इतनी खुश थी कल, इतनी खुश थी, आज भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब हमेशा ही इस चीज़ के लिए खुश रहूँगी कि हमारे भारत देश ने जो इतिहास रचा है, तो ये हम देशवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और इसरो के साइंटिस्ट को भी हमारा जो बहुत बहुत उनको मुबारकबाद, उनका थैंक्स, तहे दिल से उनका थैंक्स। तो मेरे गार्डन में ये हिबिस्कस जो खूब सारे ये खिल रहे हैं, और कुछ एक फूल सुबह जो मेरे हस्बैंड ने तोड़े हैं, वो थोड़ा भगवान को ये पूजा में थोड़े उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। बहुत सारे ढेर सारे फूल जो इनके खिल रहे हैं। तो आज मैं जो आपको चीज़ बताऊंगी, एक तो आज चाहे वीडियो मैं नहीं भी बनाती तो मुझे बस ये है, चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए जो आपको कॉन्ग्रेट्स बोलना था। वैसे तो मैंने कम्युनिटी में उसी टाइम फटाफट वो पिक्चर्स डाल दी थी, ये भी नहीं पता कि कैसी डाली कैसी नहीं है, तो डाल दी। और हमारे सब देशवासियों के लिए और बाकी दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी ये बड़ा ही गर्व की बात है। तो आज मैं जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो तो मैंने बता दिया कि मैं किस लिए आज बनाना चाहती थी, मुबारकबाद सबको देना चाहती थी। तो बट मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल हैं जो मेरे गार्डन में, मैं बहुत बारी मैंने हार्वेस्ट भी की हैं, मैंने वीडियो शेयर नहीं किया। तो आज मैंने कहा चलो यही मैं कुछ एक कर लेती हूँ। ये रेड कैप्सिकम जो मेरे गार्डन में है, ये मिर्चें खूब ये बड़ी बड़ी सी लगी हुई हैं। तो परसों मेरे यहाँ बारिश हुई थी, कल मैंने पौधों को कोई पानी नहीं दिया, बट आज जो काफ़ी पौधे मैं अभी आई हूँ छत पे तो देखा खूब सारे मुरझा रहे थे, तो अभी मैंने पानी दिया है। तो जब धूप पड़ने लगती है, आज तो धूप निकली हुई है और ये खूब जो पौधे हैं फिर मुरझाने लगते हैं। ये भी इस तरफ भी हैं ये मिर्चें, तो घर की मिर्चें जो कोई भी वेजिटेबल अपने घर की ग्रो की हो, थोड़ी बहुत निकले जितने भी निकले बड़ी खुशी की बात होती है। तो मैं ब्लू टी के लिए ये कुछ एक अपराजिता क्लिटोरिया के फ्लावर्स भी हार्वेस्ट करूँगी, ये कड़ी पत्ता भी हार्वेस्ट करूँगी, और मेरे गार्डन में ये लगे हुए करेले। तो इस पौधे से मैंने जो 3 करेले मैंने पहले हार्वेस्ट किए हैं बट मैं वीडियो उनका नहीं बना पाई। तो आज जो ये वैसे करेले मुझे इतने पसंद नहीं हैं, तो जो भी मैं बीज लगाती हूँ तो मैं स्पेशली मंगवाती नहीं हूँ, अगर बीज में कहीं आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जो घर में करेले बाज़ार से मंगवाए जाते हैं और जब वो करेले जो कोई पके हुए होते हैं तो मैं उनका सीड रख लेती हूँ और गार्डन में डाल देती हूँ, तो इतना भारी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने लकड़ी से ये ऊपर की तरफ इसको बांध दिया है, तो ये देखिए इस तरह से ये टिक भी नहीं रहा है, ये इतना भारी करेला हो गया। तो इस तरह से ये बेल मैंने अभी इसकी बांध दी है, तो नीचे को बिल्कुल लुढ़क रही थी। तो इस तरह से खूब फूल आया हुआ है इस पर, कितना बड़ा करेला है ये। पर मुझे वो देसी वाले करेले बहुत पसंद हैं, जैसे ये वाला करेला है ना, इस इनमें मैंने देखा कि इतना टेस्ट नहीं होता है जितना कि वो देसी वाले छोटे छोटे करेले होते हैं, वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट और छोटे छोटे होते हैं। अगर उनको आप टाइमली नहीं तोड़ते हैं तो फिर वो क्या है कि करेले जो हमारे पकने लगते हैं, तो उनको छोटे से ही आप जैसे ही थोड़ा बड़ा साइज़ हो उनका, ज़रा सा छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें आप हार्वेस्ट कर लो। तो ये देखिए कितनी खुशी की बात है, वैसे अपने गार्डन के ऐसे करेले हों इतने बड़े साइज़ के तो बड़ी ही खुशी मिलती है। ये कुछ मालावार स्पिनच के ये लीव्स भी मैं हार्वेस्ट करूँगी, और ये देखो बरसात के टाइम जो है कीड़े जो खा जाते हैं पत्ते बीच बीच में। तो ये हैं जो देसी वाला करेला आप देख रहे हैं, ये खूब सारे ढेर सारे ये लगते हैं, बहुत सारे जो हम बहुत बारी में हार्वेस्ट करके इन्हें हम सब्जी भी इनकी बना चुके हैं, और मैंने बीच भी कई सारे वीडियोज़ में ये शेयर की हैं, दिखाए हैं आपको। तो ये देखिए, तो अगर थोड़े से बड़े हो जाए ना ऐसे तो ये पकने लगते हैं, फिर ये देख रहे हैं ऐसे, तो बस इतने साइज़ के आप ये बीच वाले साइज़ के ये पेड़ आ रहा है,
ये वाले साइज़ के आप इतने हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये खूब सारे मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। तो ये भी जैसे एरेडी वाले बेचने आते हैं तो मैं स्पेशली देसी देख के, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, जो दूसरे वाले करेले होते हैं उनसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इन देसी वाले करेलों में। तो मैं जो पका हुआ होता है स्पेशली मैं देख लेती हूँ कि कोई पका हुआ है तो सीड के लिए रख लेती हूँ और इसी तरह से डाल देती हूँ और खूब सारे ये हमारे गार्डन में ये तैयार हो जाते हैं। ये तोरियाँ भी मेरे गार्डन में ये लगी हुई हैं। तो तोरियाँ खैर मैं आज हार्वेस्ट नहीं करूँगी, तो आज मैं ये जो देसी वाले करेले हैं तो ये करूँगी और देखो क्या क्या करती हूँ। तो मैं हार्वेस्ट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसी वाले करेले को जो हार्वेस्ट करती हूँ, तो यहाँ से चाहे आप छुरी से तोड़ लो चाहे यहाँ से ऐसे कर लो, तो कितना फ्रेश है। अपने घर की सब्जी की जो है बात ही कुछ और होती है। तो ये देखिए कितने मज़ेदार हैं। तो मैंने और भी कई सारी वैरायटी के, जैसे सफ़ेद रंग का, जैसे ये हरा है ना सफ़ेद रंग का, तो इस टाइम वो मैंने सारे हार्वेस्ट कर लिए हैं तो इस टाइम वो आपको नहीं मिलेंगे। किसी वीडियो में उनको भी मैंने वो भी शेयर किए थे, वो भी मैंने दिखाए थे। तो अभी बाकी करती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये बड़े छुपे पड़े हैं, ये बीच में ऐसे छुपे पड़े हैं ना, ये ऐसे करके तो ऐसे तोड़ लेने हैं, ये ऐसे तोड़ लेने हैं। ये तो मैं तोड़ती हूँ फिर दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो मेरा जो बहुत बड़ा सा बन जाएगा। तो चलिए मैं हार्वेस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी सब्जी जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल घर की तैयार हार्वेस्ट की है। तो मैंने ये जो छन्नी भर के, जो एक परात टाइप की छन्नी है, तो ये भर के इतनी वेजिटेबल्स अपने गार्डन की तोड़ ली हैं, जिसमें कि मैं पालक के पत्ते दिखाना भूल गई थी, पालक के पत्ते और कुछ ये सैलड के लिए मूली के पत्ते भी मैंने निकाल लिए हैं और मिर्ची जितनी मुझे चाहिए थी उतनी निकाल लिए हैं। और ये फ्रेश वेजिटेबल, इसकी तो बात ही क्या है अपनी। और चाय का जुगाड़ भी कर लिया है, क्लिटोरिया के फ्लावर्स जो मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। तो इतनी वेजिटेबल भी अगर निकलती है तो बड़ी खुशी की बात होती है। तो अपने घर के अगर थोड़ी थोड़ी भी हम लगाएं तो कुछ ना कुछ दिन के बाद, इतनी तो खैर नहीं निकलती कि हमें बाज़ार से नहीं लेनी पड़े, तो बाज़ार से भी हमें लेनी पड़ती है, जैसे हम बाज़ार से ही ज़्यादातर लेते हैं और घर की भी इस तरह से कुछ कुछ निकल जाती है। तो जैसे क्लिटोरिया फ्लावर्स के चाय के लिए बहुत ही बढ़िया चाय, ब्लू टी आप पीते होंगे, तो घर पे ये लगाएं तो खूब सारे ये फूल आपके तैयार हो जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए है ना मज़ेदार बात, बड़ी खुशी की बात। और कैप्सिकम वगैरह का आप इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे चीज़ कोई पास्ता वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, मैगी वगैरह में भी। और मिर्च का तो जैसे भी आप अचार बनाना चाहें अचार बना सकते हैं, और खाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सैलड के लिए ये पत्ते भी मैंने इसके, ये तो ये फलियाँ भी मैंने कुछ करी हैं, ये काउपी के, ये 2-3 दिन पहले भी मैंने करी थी हार्वेस्ट सूप के लिए, आज फिर मैंने थोड़ी सी कर ली हैं। तो ये मैं दिखाना ही भूल गई थी आपको। तो इस तरह से ये मेरे गार्डन की अभी बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्रेश वेजिटेबल जो मैंने हार्वेस्ट की है। तो इस टाइम मेरे गार्डन में जो हिबिस्कस के फ्लावर्स भी बहुत बड़े बड़े जैसे ये खिल रहे हैं और ढेर सारे सब पौधों पे आ रहे हैं ये। और ये येलो कलर के जो 4 o'clock ये भी खिल रहे हैं, तो वैसे तो सुबह ये मुरझा जाते हैं, अभी बंद होने लगे हैं, ये शाम के टाइम खिलते हैं, पर बीच बीच में जैसे बादल आ जा रहे हैं ऐसे हो रहे हैं तो फिर थोड़ा ये ज़्यादा टाइम भी टिक जाते हैं। वैसे तो वेजिटेबल में अभी चौलाई भी मेरे गार्डन में खूब सारी लगी हुई है, पर मैं जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उतने चुन लिए हैं। और शाम के टाइम देखेंगे, बरसात के टाइम जो पकौड़ी वगैरह जो खाने की इच्छा बहुत होती है, बहुत अच्छे लगते हैं बरसात के टाइम। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मालाबार स्पिनच की वो मैंने लीव्स करी हैं इकट्ठी, और बाकी सब मिर्ची वगैरह इन सबको मिक्स करके उसका पकौड़ा बनाऊँगी। तो ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं लगे हुए हैं। इस तरफ भी लगे हुए हैं ये ऐसे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।